सो हियर कम्स रिसेंटली लॉन्च्ड नॉइस ईयरबड्स जो कि अंडर 3000 के रेंज में अभी नॉइस ने निकाले हैं। अब मैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इसके रिव्यू के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग ऑफ द न्यू नॉइस बड्स पॉप। इसकी पैकिंग इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की, आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया था तो मैं आपको जल्दी से इसकी रिव्यू दे दूंगा। ये आपको ये कप्स दिख सकते हैं, ये चार्जिंग केबल और ये कुछ मैनुअल्स इन्होंने दिया है, जैसे आप इसे रीसेट कैसे कर सकते हैं इसने दिया है इसमें। और ये दिया है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने फ़ोन से इस नॉइस ब्लूटूथ ईयरबड्स को, ये कुछ मैनुअल्स हैं आप देख सकते हो। नॉइस ईयरबड्स पॉप फाइनली मैंने ऐसे अनबॉक्स कर दिया और आप देख सकते हो क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है इस रेंज में, अंडर 3000 की रेंज में। आप देख सकते हो नीचे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे नॉइस लिखा है और एक रीसेट बटन इन्होंने यहाँ पे दिया है। वो मेनली इसे तब आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी कभी क्या होता है कि आपके दो ईयरबड्स आप डायरेक्ट कान में लगाते हो और एक ईयरबड्स में आवाज़ आती है और एक ईयरबड्स में आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो उस केस में क्या करना रहता है, हमें इसे 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करना रहता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ब्लूटूथ अगर आप फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें से आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि बड्स पॉप करके उसमें शो करेगा तो आप उसे रिमूव कर देना। फिर जब आप फिर से इसको कनेक्ट करोगे तो आपके दोनों ईयरबड्स में आराम से आवाज़ आ सकती है, तो इस केस में हम ये रीसेट बटन यूज़ करते हैं। तो इसे जल्दी से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, जैसे ही मैं देखना दोस्तों जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो ब्लिंक हो रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। मैं जल्दी से इसे प्लग आउट करता हूँ। ये वेट के मामले में दोस्तों रियली बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड ब्लिंक कर रहा है, ये आपको इन ईयर डिटेक्शन ये होता है एक, इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है। मीन जब भी आप इसे कान में लगाओगे अपने तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि इसे कान में लगाओगे तो एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस होगी जिससे ये नोटिफाई हो जाएगा कि आपने इसे अपने कान में लगा लिया। देख लीजिए आप अभी भी ये ब्लिंक हो रहा था यहाँ पे। और कंफर्ट की बात करूँ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया, ये स्टेम इन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया इन्होंने यहाँ पे। ये जनरली गन मेटल कलर है, आप चाहो तो इसे वाइट कलर में भी ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ भी लाइट ब्लिंक हो रही है क्योंकि मैंने अभी इसे किसी फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है। तो अब कनेक्शन की बात कर लेते हैं, तो अब मैं कनेक्शन के बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ये ब्लूटूथ डिवाइस है और साथ में फ़ोन की ब्लूटूथ भी है, सो मैं इसे ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों अभी कोई डिवाइस शो नहीं कर रहा है, पर जैसे ही मैं इसका ये ओपन करता हूँ वैसे रिफ्रेश करता हूँ फिर से, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ बड्स पॉप शो करने लगा। मैंने इसे प्लग आउट भी नहीं किया और यहाँ पे बड्स पॉप शो करने लगा, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया है। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, पेयरिंग हो रही। और ये पेयर हो गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इन्होंने प्रोवाइड किया है। और अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूं तो मैंने इसे खुद एक दिन पूरा यूज़ किया था और कॉल क्लैरिटी इन कंपैरिजन टू अदर बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की गई है इसमें। और मैंने रेंज चेक किया था, इन केस मैं 10 मीटर की रेंज तक भी गया था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा रेंज प्रोवाइड किया है इस इतने प्राइस में। एक
ख़ास बात इसमें बता दूँ दोस्तों कि इसमें 6 mm के ड्राइवर्स दोनों उसमें ईयरबड्स में दिए गए हैं और ये बहुत ही अच्छे बेस प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर आपको हाई बेस पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको शायद ना पसंद आए ये, क्योंकि मैंने एक एक्सट्रीम लेवल पे इसे ले आवाज़ को ले गया था मैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी ब्रेक डाउन हो रहा था वॉइस में। सो अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो आप बोट्स के ईयरडोब्स भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट इन केस आपको अगर नॉर्मल वॉइस पसंद है, बहुत ही सूदिंग वॉइस पसंद है, तो आप इसे डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। देर तक मैंने कान में लगाया था इसे और अराउंड 4 hours का इसने बैकअप दिया मुझे। उसके बाद आप इजीली इससे चार्ज कर सकते हो और अराउंड कंपनी ने रिकमेंड किया है कि 30 hours ऑफ टाइम दे सकता है ये चार्ज करने के लिए। सो मैंने अभी तो पूरा चार्ज नहीं किया, एक ही बार मैंने इसे चार्ज किया है, बट बाय द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स यू कैन ईजिली चार्ज इट अराउंड 30 hours। सो मैंने इसे ऑब्जर्व किया है, बट बैटरी बैकअप की बात करूँ बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप इसने दी है। ईएनसी सिस्टम की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे इन्होंने कॉर्ड माइक्स प्रोवाइड किए, यानी कि दो दो माइक्स एक एक ईयरबड्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इसे और अच्छा बनाता है इन टर्म्स ऑफ कॉल क्वालिटी। सो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी दोस्तों, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स ने बोला कि आप एक बार गेम टेस्ट करिए, तो मैंने गेम टेस्ट किया था। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि अराउंड 0.3 टू 0.4 सेकंड का थोड़ा बहुत लैग हो रहा था, और दोस्तों मैंने वन प्लस में भी ऑब्जर्व किया था कि अराउंड 0.2 टू 0.3 सेकंड का लैग होता ही होता है, हर ईयरबड्स में आपको थोड़ा बहुत लैग मिलेगा। सो उस केस को अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा बहुत तो निगलेक्ट कर ही सकते हो। अब मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, तो अब मैं इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। तो ये था दोस्तों इसका साउंड टेस्ट। सो आप इसे सुन के ईजिली डिसाइड कर सकते हो कि इसकी बेस कैसे हैं, इसकी क्लैरिटी कैसी है और इसके टोन्स इसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अंडर 3K में अगर आप कोई बड्स आप लेना चाह रहे हो तो आप यही लो, क्योंकि मैंने बोट्स और अदर ईयरबड्स के रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे। सो मैंने इसमें पाया कि मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि चार्जिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केवल ये ईयरबड्स लेके आप एक बार ट्राई करो। के पास किसी का कॉल आता है तो मैंने कई रिव्यू में सुना है कि कई ईयरबड्स में नंबर्स इसमें प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट यहाँ पे इन ईयरबड्स में आपके रिंगटोन्स सुनाई दिए जाएंगे। यस, आपके रिंगटोन्स सुनाई दिए जाएंगे इस ईयरबड्स में जब भी आप इसे कान में लगाए रहोगे तो, और किसी का फ़ोन आता है। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है और आपको अगर पिक करना है तो आप लेफ्ट पे दो बार क्लिक से करना, और अगर आपको कॉल रिजेक्ट करना है तो राइट पे आप 1.5 सेकंड के लिए दबाए रहना, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंसी मोड प्रोवाइड किया है दोस्तों। अब ये ट्रांसपेरेंसी मोड क्या है मैं बता दूँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी मोड ये है कि अगर आप कभी ट्रैफिक में हो, हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि आपको हाई वॉल्यूम पे गाना सुनते रहते हो और बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं आपको, तो उस केस में आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी मोड आप इसे ऑन कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा आपकी वॉल्यूम 50% केवल प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 50% कम हो जाएगी वॉल्यूम। और उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये राइट ईयरबड्स पे आपको 3 बार ऐसे टैप करना होगा तो ट्रांसपेरेंसी मोड आपका ऑन हो जाएगा। सो इसे आप ईजिली यूज कर सकते हो इन ट्रैफिक ऑल्सो। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर कभी कभी क्या होता है कि ईयर्स मैटर करता है, मान लीजिए किसी के बड़े कान होते हैं और किसी के छोटे कान होते हैं,
तो उस केस में क्या करेंगे, आपको ईयरबड्स प्रोवाइड किए गए हैं तो आप अपने हिसाब से मीडियम लो और हाई साइज़ का ईयरबड्स आप इसमें ईजिली लगा सकते हो। तो आपको बता दूँ कि जब भी आपको इसे डिसकनेक्ट करना होगा तो आप इसे दोनों इसमें आप डाल सकते हो आराम से और ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बंद हो गया। अब ये चार्जिंग इंडिकेशन कैसे आपको पता चलेगा, या आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं ऑन करता हूँ तो एक ब्लिंक हो रही है, यानी कि आपकी 80 to 100% आपकी बैटरी चार्ज है। अगर आपकी बिलो 80 होगी तो ये मीडियम मिडिल में जो है ये ब्लिंक करने लगेगा, और आपकी लो हो जाएगी तो आपका क्या होगा, ये सबसे नीचे वाले में ब्लिंक करेगा। चार्जिंग करते रहोगे आप तो आपका रेड इंडिकेशन शो होगा, और अब फुल चार्ज हो जाएगा तो इंडिकेशन बंद हो जाएगा। भाई आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा अपना रिव्यू बड्स पॉप का। अगर मैं अपने रिव्यू के हिसाब से मैं बोलूँ तो आप अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको बेस के लिए चाहिए तो आप इससे इसका सोलो वर्जन भी आप इसे परचेज कर सकते हो, अंडर 5K में वो आपको मिलेगा। और अभी हाल ही में रियल बड्स एयर प्रो एयर 2 भी लॉन्च हुआ है तो आप वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कंफर्ट की बात करें और अदर फैक्टर्स की बात करें तो आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हो। मैंने इसे 2899 में परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, और आप चाहो तो अमेज़ॉन से भी कर सकते हो, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बात बता दूँ दोस्तों मेरे उन दोस्तों के लिए जो काफ़ी जॉगिंग करते हैं और जिम जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ ये काफ़ी इजीली उनके कान में फिट रह सकता है बहुत देर तक, और ये फॉल ऑफ नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं। मैंने इसे इवन मैंने जॉगिंग करते हुए ट्राई किया था, और इवन मैं जब जिम गया था तो मैं वहाँ भी ट्राई किया था, तो ये ईजिली फिट था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी भी गिरा नहीं है। सो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। दोस्तों ये था मेरा अपना रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, हो सकता है कि उनकी मदद हो जाए और उन्हें एक अच्छा ईयरबड्स मिल जाए। सो थैंक यू ऑल। जय हिंद।